आज का हमारा टॉपिक है सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सॉर्टिंग क्या होता है बेटा? सॉर्टिंग फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेट यू अरेंज द डाटा इन प्रॉपर सीक्वेंस। किसी भी प्रॉपर सीक्वेंस में डाटा को अरेंज करना इज नोन एज सॉर्टिंग। चाहे वो आपका सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। जैसे कि आपको एक लिस्ट शो कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें आपको डाटा सॉर्ट करना है। अगर हम आपको बोलते हैं कि आप अपना डाटा सॉर्ट कीजिए एक सीक्वेंस में कि अल्फ़ाबेटिक वाइज अरेंज कीजिए, ए अल्फ़ाबेट वाले नेम पहले आए, जेड अल्फ़ाबेट वाले नेम बाद में, तो इसे बोलेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। या फिर आपको मार्क्स के वाइज एडजस्ट करने हैं, इंग्लिश के मार्क्स जिसके हाइएस्ट हैं वो रिकॉर्ड सबसे टॉप पे आए और जिसके लोवेस्ट मार्क्स हैं वो सबसे डाउन में। अगर आपको इस तरह से डाटा अरेंज करना है तो आप कैसे अरेंज कर सकते हो? बाय यूजिंग सॉर्ट ऑप्शन। और सॉर्ट ऑप्शन कैसे अवेलेबल होगा आपका? डाटा टैब में, डाटा मेन्यू के अंदर ये डाटा टैब पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होगा सॉर्ट। इसके लिए आपको स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं? सबसे पहले सिलेक्ट करोगे जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करना है, डाटा टैब पे क्लिक करोगे, उसके अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप आप के अंदर आपको सॉर्ट ऑप्शन अवेलेबल होगा। वहाँ से आप जेड टू ए या फिर ए टू जेड, यानी जेड टू ए का मतलब क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर, और ए टू जेड का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो। आइए हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अब मैंने एक्सेल शीट ओपन की है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब इसकी रोज एंड कॉलम्स को थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कॉर्नर पे जाइए एंड क्लिक, किसी भी एक टैब का कॉलम का साइज इंक्रीज कर दीजिए, किसी एक रो का साइज इंक्रीज कर दीजिए। ये बेटा सबके ऊपर इफेक्ट डालेगा, सबका पूरी शीट का चेंज हो जाता है। नाउ अगर आपको पूरी शीट्स के ऊपर फॉन्ट अप्लाई करना है, पूरी शीट का फॉन्ट चेंज करना है, देन सेलेक्ट करके देन जो भी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे ये पूरी ऑल ओवर शीट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। नाउ राइट नेम इंग्लिश, हिंदी, मैथ। मैं एक लिस्ट बना रही हूँ, नेम राइट किए मैंने। फिलहाल हम अपने जैसे कि स्कूल में स्टूडेंट्स की एंट्री होती है उसी के अकॉर्डिंग मैं नेम राइट कर रही हूँ। इनके मार्क्स भी हमने राइट किए कि इनका रिजल्ट ये था हमारे पास। नाउ अब आप इसको अरेंज करना चाहते हो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए क्या करोगे, आप सिलेक्ट द कॉलम जिसके अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना है डाटा में। अब आपका ऑप्शन, उसने बोला था कि सॉर्ट एंड फिल्टर आपका ऑप्शन है, उसमें आपको फिल्टर नहीं करना, सॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए टू जेड अगर आप करते हो, वो बोला एक्सपेंड द सिलेक्शन, अपनी सिलेक्शन को एक्सपेंड करें। सॉर्ट करना है तो आपको पूरा का पूरा ये सिलेक्ट करना पड़ेगा जितना भी डाटा रिटर्न है। नाउ ए टू जेड किया, अब अलॉक के मार्क्स सबसे पूरी की पूरी रो को उसने बेटा ऊपर नीचे मूव कर दिया, ठीक है। पहले ए अल्फ़ाबेट वाले नेम है, फिर सी, फिर एच, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। अगर आप जेड टू ए करोगे तो ये इसे डिसेंडिंग ऑर्डर वाले ऑर्डर में एडजस्ट कर देगा हमें। इसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पे मैंने राइट किया, एक और रिकॉर्ड राइट कर रही हूँ, हीना, इसके मार्क्स हमारे पास इस तरह से हैं। अब मैं इसको सॉर्ट करती हूँ, तो सिलेक्ट करोगे पहले जिसमें आपने डाटा राइट किया है, सॉर्ट ए टू जेड। अब दोनों हीना आपकी इकट्ठे आए, आप चाहते हो कि कौन सा हीना पहले आए और कौन सा हीना बाद में आए। जब आपको मोर देन वन कंपैरिजन करने हो तब आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ से सॉर्ट। जैसे आपने इस बॉक्स पे क्लिक किया आपको इसने शो कर दिया कि सॉर्ट बाय किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, हेडिंग्स दिखा रहा है नेम के अकॉर्डिंग, वैल्यूज़ को सॉर्ट करें ए टू जेड ऑर्डर में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। इसके साथ ऐड लेवल, एक और कंडीशन डालनी है अब आपको, तो ऐड लेवल, अगर नेम सेम है तो किन्हें कंपेयर करें, ठीक है। अगर
एंड नेम, जैसे टू ही ना है, आपकी दोनों के नेम सेम है, तो फिर उन्हें किसे कंपेयर करें, उनके इंग्लिश के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स जिसके ग्रेटर हों, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी पहले लार्जर वाले हिना को राइट करें और बाद में स्मॉलर वाले हिना को। ओके, ये देखिए, अगर आपको हिना बट जस्ट है, दोनों हिना इकट्ठे हैं, बट कौन सा हिना आगे है जिसके मार्क्स ग्रेटर हैं। इस तरह से आप किसी भी टेबल को सॉर्ट कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इससे रिलेटेड फिल्टर। स्टेप आप पढ़िए, सेम स्टेप्स हैं इसके। फिल्टर, फिल्टर क्या होता है बेटा, फिल्टरिंग में क्या होता है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देयर इज अ फीचर कॉल्ड फिल्टर विच यू लेट द डाटा, फिल्टर द डाटा सो दैट यू कैन सर्टेन डाटा इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, कि आपको कुछ डाटा ही स्क्रीन पर दिखाई दे, फुल डाटा ना शो करे आपको, पूरी लिस्ट ना दिखाए, कुछ ही डाटा दिखाए। दिस इज यूजफुल इन केसेस वेयर यू हैव टू फोकस ऑन द सर्टेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड हाइड द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज। ये आप कहाँ यूज़ करते हो, जहाँ पे आपको सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है और बाकी इन्फॉर्मेशन आप किसी से हाइड करना चाहते हो। अब इसके लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ फिल्टर अप्लाई करना इसके ऊपर, तो उनके स्टेप्स जो हम करेंगे वही एज इट इज़ वहाँ पे हैं। तो आप फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो, सेलेक्ट किया डाटा एंड डाटा टैब में फिल्टर ऑप्शन आपका अवेलेबल है, ठीक है। आप फिल्टर पे क्लिक करते हो, ये देखिए फिल्टर अप्लाई हो गया है। ये जो बटन्स आए हैं ये फिल्टर अप्लाई हुए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा है, सारे रिकॉर्ड्स दिखा रहा है आपको, ठीक है, मैंने ये सारे रिकॉर्ड नहीं देख रहे हैं, मैंने सबको ऑफ कर दिया, जो रिकॉर्ड देखना है सिर्फ उसी को ऑन करना, मुझे रीता का रिकॉर्ड देखना है ओनली, ओके। अदर इंफॉर्मेशन को इसने हाइड कर दिया, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आप ऑल रिकॉर्ड्स देखना चाहते हो देन इन सबको आप ऑन कर दीजिए। सेलेक्ट ऑल करोगे तो सारे आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मुझे हिंदी के हाईएस्ट मार्क्स देखने हैं, सारे रिकॉर्ड्स दिखा रहा है, मैंने इसको ऑफ किया, मुझे ओनली 99 वाले मार्क्स देखने हैं, जिसके 99 मार्क्स हैं जिन जिन स्टूडेंट्स के, ओके। एक हिना का रिकॉर्ड है जिसके ओनली 99 मार्क्स हैं। अब ये जो शो बॉक्स है यहाँ पर देखो, एरो जो चेंज होकर शो कर रहा है कि यहाँ पे आपने फिल्टर अप्लाई किया हुआ है, इसको आप सिलेक्ट ऑल करना चाहोगे तो ये आपके ऑल सिलेक्ट हो जाएंगे। मुझे मैथ के वो रिकॉर्ड देखने हैं जिनके 56 मार्क्स हैं, ओके कीजिए, ओनली वही रिकॉर्ड्स दिखा रहा है जिनके 56 मार्क्स मैथ में, मैथ के ऊपर हमने अप्लाई किया तो ओनली मैथ के ऊपर अप्लाई हुआ ये फिल्टर आपका। ऑल देखना है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपकी हाइड कर देता है, ओनली यही। अब आपका वर्क हो गया, आपको फिल्टर रिमूव करना है, देन आप यहाँ से फिल्टर पे अगेन क्लिक कर दीजिए, ये आपका रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। चार्ट क्या है बेटा, चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, किसी भी डाटा को आप ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज चार्ट। इट इज एन अट्रैक्टिव वे ऑफ शोइंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार चार्ट्स। आप चार्ट कितनी तरह के होते हैं, बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, पाई चार्ट है, या आपके लाइन चार्ट है, विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स की हेल्प से आप डिफाइन कर सकते हो। इट बिकम अ लॉट ईजियर टू कंपेयर द डाटा एंड सी द डिफरेंट ट्रेंड एंड प्रेफरेंसेस। विथ चार्ट इट बिकम वेरी कन्वीनियंट टू मेक क्रिटिकल एनालिसिस। दिस इज हाउ सिंपल चार्ट लुक लाइक। सिंपल चार्ट आपका इस तरह से दिखाई देगा। अब चार्ट क्रिएट कैसे करते हैं एक्सेल में, इसको इस चार्ट का एक ये फायदा होता है बेटा कि आप इजिली कंपेयर करके बता देते हो किसके हाईएस्ट मार्क्स हैं और कितने किसके लोवेस्ट मार्क्स हैं। इजिली कंपेयर कर सकते हो कि आपके कोई जिस मतलब कोई पर्सन ऐसा है जिसको अपना नॉलेज नहीं है तो वो भी आपको देख के बता देगा, हाँ ये चार्ट के वे में रिप्रेजेंट किया हुआ डाटा रीड कर सकता है वो पर्सन भी। तो आप चलिए हम चार्ट क्रिएट करना सीखते हैं। चार्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी लिस्ट बनाओगे जो हमने ऑलरेडी बना रखी है। अब आपको चार्ट अप्लाई करना है इसके लिए, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट द डाटा, इंसर्ट, या आप क्या
डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, अदर्स। अगर यहाँ पर इसके नीचे चार्ट्स के साथ एक एरो है, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका पूरा का पूरा एक विजार्ड ओपन करेगा। अब आपको कौन सा चार्ट बनाना है, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई या बार? हमें बार चार्ट बनाना है। बार और कॉलम चार्ट में डिफरेंस क्या है, ये आपका वर्टिकल है और ये आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों शीशो करता है आपको। हम पहले इसके कॉलम चार्ट बनवाते हैं। कॉलम चार्ट बनवाया हमने, अलग अलग कॉलम्स में दिखा दें, ठीक है, हमें इसी तरह से अच्छा लगता है। आगे ओके करो। ये देखिए इसने चार्ट क्रिएट कर दिया। अब आप इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ मैं। ये जो है ब्लू इंग्लिश के मार्क्स हैं, रेड में हिंदी के मार्क्स हैं एंड ग्रीन में मैथ के मार्क्स। अब आप चाहते हो इस चार्ट का डिज़ाइन वगैरह कुछ चेंज करना, तो आप क्लिक करोगे जी बेटा, जिसके ऊपर क्लिक करते रहोगे वो आपका एक नई तो नया फॉर्मेट आ गया आपका डिज़ाइन। यहाँ से आप चार्ट के ऊपर क्लिक करके रखिए, बस आपको करना क्या है, चार्ट के बॉर्डर पे क्लिक करना है एंड चार्ट टाइप, चार्ट टाइप चेंज करनी है। ये नहीं चाहिए थी आपको, बार चार्ट बनवाना था हमें, इस तरह का बार चार्ट बनवाना है, दिस वन। ओके, अलग अलग लाइंस दिखा रहे हैं, बार चार्ट बना दिया इसने, इस तरह से चाहिए। नीचे हिंदी के मार्क्स, ऊपर इंग्लिश के मार्क्स, ये लो सेम वे में दिखा देगा। फर्स्ट आपके इंग्लिश के मार्क्स हैं, फिर हिंदी के एंड फिर मैथ के मार्क्स हैं, ठीक है। बार चार्ट में आप चेंज कर सकते हो चार्ट टाइप, रो और कॉलम को स्विच कर दें, रो की जगह कॉलम आ गए, पहले इस यहाँ पे इंग्लिश हिंदी मैथ है, अब स्विच करोगे अब यहाँ पे नेम आ गए, रो और कॉलम को आपस में चेंज कर देगा। सेलेक्ट डाटा, आपको पूरे एरिया का चार्ट नहीं बनाना है, रेंज लोगे यहाँ पे क्लिक करोगे और रेंज सेलेक्ट कर लो, सिर्फ इतने से एरिया का बनवाना था आपको, आपने पूरा बनवा दिया ना, मुझे सिर्फ पहले हीना तक के रिकॉर्ड्स का बनवाना है चार्ट, सबका नहीं बनवाना है, सेलेक्ट कर लो। अब देखो ओके किया, अब ओनली हीना तक का चार्ट बन गया, आप चेंज कर सकते हो। चार्ट लेआउट यहाँ से चेंज कर सकते हो आप, ये देखिए मार्क्स भी शो कर रहा है अब इसके ऊपर, ये सही है जिसे मार्क्स भी दिखा रहा है। कलर्स चेंज करने हैं यहाँ से चेंज कर सकते हो, डिफरेंट नीचे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको चार्ट टाइप, जो आपको सही लगता है, अच्छा लगता है वैसा आप अप्लाई करवा लीजिए। इस तरह से एक चार्ट आप अपनी फाइल में ऐड कर सकते हैं। मूव चार्ट, आप इस चार्ट को नई शीट पे ले जाना चाहते हो, इस तरह से आप चार्ट चेंज मूव करना है आपको चार्ट, आप कहाँ ले जाना चाहते हो, शीट वन पे इस टाइम, आप मूव करना चाहते हो शीट थ्री पर, ओके कर दीजिए। अब ये चार्ट आपका देखिए शीट थ्री पर आ गया, और डाटा आपका कहाँ है, शीट वन पर, और चार्ट आपका कहाँ है, शीट थ्री पर, किसी दूसरी शीट पे भी आप ले जा सकते हैं। अगर आप चार्ट में कुछ भी चेंज करना चाहते हो बेटा, जिस जहाँ पे भी चेंज करना चाहते हो वहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे इसका कलर चेंज करना है, डबल क्लिक करो एंड राइट क्लिक, डबल क्लिक कर दोगे तो भी आपका वो ओपन हो जाएगा उससे रिलेटेड ऑप्शंस, या फिर क्लिक करके क्लिक डबल क्लिक करोगे एंड राइट क्लिक करो, फॉर्मेट डाटा लेबल्स क्लिक किया तो यहाँ पर आपका जैसे फिल कलर कैसा करना है, बॉर्डर कलर कैसा होना चाहिए, ठीक है, नंबर कैसे शो करे, वो साइज़ क्या हो उसका, ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और जो ये आपको शो कर रहा है ऊपर, इस बॉक्स को कहते हैं लीजेंड, लीजेंड को आप कहाँ पे मूव कर सकते हो, राइट क्लिक करो, ठीक है, इसमें आपको शो करेगा कि लीजेंड को आप मूव कर सकते हो, व्यू और ऑप्शन इसके साथ नहीं हुआ है, चार्ट ही है, लीजेंड से रिलेटेड ऑप्शन है आपके तो ये ऑन कर देगा, नहीं तो आप इसको लीजेंड को आप मूव कर सकते हो कि आप कहाँ कहाँ एडजस्ट कर सकते हो, इसको यहाँ पे भी कर सकते हो, लेफ्ट में, राइट में, टॉप, बॉटम, ये आपके ऑप्शन हैं जहाँ पर आप मूव कर सकते हो। ये हाँ से देखिए ये भी ऑप्शन हो रहे हैं आपके ऑन, स्टार्ट चेंज डाटा टाइप चेंज करना है, सेलेक्ट डाटा, थ्री डी रोटेशन, रोटेट करना चाहते हो आप इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा मैंने इसको रोटेट किया, अब देखिए चार्ट को, ठीक है। इस तरह से बेटा ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैंने आज आपको सॉर्ट, फिल्टर एंड चार्ट, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हैं।